आप लोग देख सकते हो एक ही दिन के अंदर 8% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। कोई भी एफडी एक साल के अंदर 7% का रिटर्न प्रोवाइड करता है, बट इस स्टॉक ने एक ही दिन के अंदर 8% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया। तो ये क्यों ऐसा किया, ऐसा क्यों एक ही दिन के अंदर 8% का रिटर्न प्रोवाइड किया, वो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो एक महीने के अंदर 17% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, एंड मैं बात करूं 6 महीने का तो 164% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, 164% का रिटर्न 6 महीने के अंदर। एंड मैं बात करूं 1 साल का तो 1 साल के अंदर 156% का रिटर्न, एंड मैं बात करूं 5 साल का तो 5 साल के अंदर 1793% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो ये कंपनी करती क्या है सब कुछ वन बाई वन हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, एंड इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने ग्रुप में शेयर करो। और जो इस शेयर का जो अभी प्राइस चला है करंटली जो प्राइस है वो आप लोग देख सकते हो 287 रुपया चल रहा है। तो अभी प्राइस इसका बहुत ज़्यादा कम है, 287 रुपया है। एंड मैं बात करूँ इसका मार्केट कैप के बारे में तो इधर आप लोग देख सकते हो जो मार्केट कैप है वो 4.23 लाख करोड़ रुपया है। तो अभी मार्केट कैप 4000 से ज़्यादा करोड़ रुपया का है, तो मार्केट कैप कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। एंड जो 52 वीक में हाई बनाया था इस स्टॉक ने वो 337 रुपये का बनाया था 52 वीक में हाई। एंड जो लो बनाया था 52 वीक में लो बनाया था वो आप इधर देख सकते हो 95 रुपये का लो बनाया था। डिविडेंड यील्ड ये प्रोवाइड नहीं करती है स्टॉक, क्योंकि अभी ये इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है तो ये डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि ये स्टॉक अपने आप को रिसर्च में पैसा इन्वेस्ट करता है एंड आने वाले प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है ये कंपनी। तो कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी कंज्यूमर कंपनी है, ये बहुत ज़्यादा जैसे कि प्रोडक्ट बनाती है कंज्यूमर के लिए, अपने क्या कहते हैं अपने कस्टमर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो ऑयल कंपनी है ये, बहुत सारी ऑयल डिफरेंट टाइप का ऑयल बनाती है, तो वही सेल करती है, उसी से इसको रेवेन्यू मिलता है, उसी से इसको प्रॉफिट मिलता है। और मैं बता दूं इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ है, मैं आपको बता दूं जो इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो 20% से भी ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है। एंड मैं प्रॉफिट ग्रोथ बोलूँ तो प्रॉफिट ग्रोथ 30% से भी ज़्यादा है इस कंपनी का। और इस कंपनी में जो डेट है वो ना के बराबर है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड आप इस कंपनी में और फर्दर रिसर्च कर लेना, मैं कंपनी का नाम बताऊं तो आप लोग देख सकते हो कंपनी का जो नाम है ये इधर लिखा हुआ है गुरुकुल एग्रो रिसोर्सेस, तो आप इसे गूगल पे टाइप करके फर्दर रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।